दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एवी बॉक्स ऑफिस में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार सर, सलमान खान सर और अजय देवगन सर की फिल्मों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और हम आपको बताएंगे कि कौन बनेगा बॉलीवुड का किंग। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बॉलीवुड और साउथ की दमदार जानदार और शानदार अपडेट पाने के लिए आपके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी न्यूज की तरफ, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस साल की मच वांटेड फिल्म दबंग 3 के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिल्म को लगभग 5,500 स्क्रीनों पर लॉन्च करा जा रहा है और फिल्म का बजट 110 करोड़ रुपए है। इसी के साथ में फिल्म को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज करा जाएगा, जो कि फिल्म के लिए काफी अच्छी बात है। इसी के साथ में फिल्म के ट्रेलर को काफी अच्छा सपोर्ट देखने के लिए मिला, फिल्म के पोस्टर हिट रहे, फिल्म के सॉन्ग हिट रहे। पर दोस्तों कहीं ना कहीं सलमान खान सर ने या फिर न्यू कहे कि प्रोड्यूसर्स ने यह गलती कर दी कि इस फिल्म के जो सॉन्ग थे वो पहले ऑडियो सॉन्ग से रिलीज कर दिए गए, यानी कि दोस्तों इस फिल्म के लिए बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। पर दोस्तों जब इस फिल्म के वीडियो सॉन्ग से रिलीज हुए तो दोस्तों सलमान खान सर का बज अलग ही झलकता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि दोस्तों फिल्म काफी जल्द सुपरहिट होने के लिए हमारे बॉक्स ऑफिस पे आ रही है। पर ना जाने क्यों उनकी फिल्म भारत को 208 करोड़ का कारोबार मिला। और दोस्तों देखना यह है कि क्या दबंग 3 फिल्म 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाती है या नहीं। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें बॉलीवुड की शान अक्षय कुमार जी के बारे में, जी हां दोस्तों अक्षय कुमार सर जो कि हमारे बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार भी कहलाते हैं और ये हमारी सुर्खियों में हमेशा कुछ ना कुछ छोटी बड़ी बातों को लेकर बने रहते हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें तो इनकी पहली फिल्म थी केशरी, जो कि 150 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर पाई और हिटर्स के मुंह पर मारा जान शानदार तमाशा। वहीं पर उनकी दूसरी फिल्म थी मिशन मंगल और दोस्तों लोगों ने कह दिया था कि फिल्म फ्लॉप है, पर फिल्म ने 205 करोड़ का कारोबार करा, फिल्म रही सुपरहिट। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें उनकी तीसरी फिल्म हाउसफुल 4 की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्रिटिक्स ने इस फिल्म की पेट भर के बुराई करी, इस फिल्म को जहां तक कि 1 स्टार भी दिया तो भी फिल्म ने 210 करोड़ का कारोबार करा और सलमान खान सर की फिल्म भारत को पछाड़ डाला। यानी कि दोस्तों फिल्म के अंदर दम था और आज की ऑडियंस समझदार है, जहां पर कंटेंट जहां पर अच्छी कहानी है, जहां पर अच्छी फिल्म है, ऑडियंस उस फिल्म को देखने जरूर जाएगी, चाहे वो कबीर सिंह जैसी फिल्म ही क्यों ना हो, क्योंकि कबीर सिंह एक शानदार फिल्म थी। तो दोस्तों अब उनकी फिल्म आ रही है गुड न्यूज, और दोस्तों गुड न्यूज का कंटेंट सभी फिल्मों से हटके है और मुझको पूरी उम्मीद है जिस तरीके से फिल्म के ट्रेलर को सपोर्ट मिला, फिल्म के सॉन्ग्स को सपोर्ट मिला, जो कि चंडीगढ़ सॉन्ग है 35 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है, अच्छी बात है बहुत, यानी कि फिल्में हिट होने वाली है। इसी के साथ में उनका आज एक और शानदार सॉन्ग रिलीज कर दिया गया जिसका नाम है सौदा खरा खरा, और फिल्म का अब तक सॉन्ग लगभग 4 से 5 मिलियन व्यूज भी ग्रॉस कर चुका होगा या फिर उससे भी ज्यादा, यानी कि दोस्तों फिल्म काफी जल्द सुपर डुपर हिट होने वाली है। फिल्म का बजट 80 करोड़ रुपए है और फिल्म को 3,500 स्क्रीनों पर लॉन्च करा जाएगा हमारे भारत भर में, यानी कि फिल्म को हिट होने के लिए कमाना होंगे लगभग 95 करोड़ रुपए। वहीं पर फिल्म को सुपर हिट होने के लिए कमाना होंगे 110 करोड़ रुपए, फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने के लिए कमाना होंगे 190 से 200 करोड़ रुपए। और अगर दोस्तों फिल्म इस बार भी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेती है तो यकीन मानिए दोस्तों कि फिल्म के अंदर अक्षय कुमार सर 760 करोड़ से सभी एक्टर से आगे चलते हुए नजर आएंगे और बन जाएंगे 2019 के बॉलीवुड किंग। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें 2020 की, तो दोस्तों 2020 में आ रहे हैं सलमान खान सर के साथ में, अक्षय कुमार सर के साथ में अजय देवगन सर जनवरी में। जी दोस्तों 10 जनवरी को उनकी शानदार फिल्म आ रही है तानाजी, और दोस्तों मैं आपको बता दूं तानाजी का बज यहां पर है। इतनी शानदार तरीके से उनकी फिल्म का ट्रेलर निकल के आया और दोस्तों सैफ अली खान ने क्या विलन की एक्टिंग करी है, जो कि उनके ऊपर बखूबी काफी शानदार जम रही है। फिल्म का सॉन्ग भी रिलीज कर दिया गया जो कि ऑडियंस को काफी पसंद आया, और दोस्तों मुझको ये पूरा यकीन है कि जब ये फिल्म हम सबके बीच में बॉक्स ऑफिस पे आएगी तो 5,500 स्क्रीनों पे यह फिल्म फाड़ के रख देगी, 350 करोड़ का आंकड़ा यह फिल्म हंसते हंसते पार करेगी। हाल ही में इस फिल्म का बजट 155 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, यानी कि दोस्तों फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है। अजय देवगन सर, काजल जैसे शानदार एक्टर इस फिल्म के अंदर है, तो दोस्तों फिल्म सुपर डुपर हिट तो होना ही है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बार बाजी कौन मारेगा, अक्षय कुमार, सलमान खान या फिर अजय देवगन सर? हमें अपने ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ में बॉलीवुड और साउथ के बेहतरीन और दमदार अपडेट पाने के लिए आपके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।